गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम लोग आई की मात्रा सीखेंगे। ये स्वर है आई, आई से आईना, आई से एटलस, तो ऐ से ऐशा, ऐ से ऐरावत, ऐ से ऐनक, ऐ से एटलस, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए आई जहाँ जहाँ है वहाँ पे रेड कलर से दिखाया हुआ है, तो हमें वैसे ही करना है। ये हो गया स्वर हमारा आई, ऊपर एक मात्रा है, ठीक है। अब उसकी मात्रा देखते हैं, ये मात्रा है आई की मात्रा कैसे लगती है, ऊपर दो मात्राएं लगती है, ए में एक मात्रा लगती है, आई में दो मात्रा लगती है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आई की मात्रा है, यहाँ पे आई की मात्रा वाले वर्ड दिए, पर पहले हमें वर्णमाला में आई की मात्रा लगाकर सीखते हैं, फिर वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही सुंदर राइटिंग में बोल बोल के लिखना है, ठीक है। जहां जहां आई की मात्रा आती है वहां पे आपको रेड पेंसिल कलर से दिखाना है मात्रा, ठीक है। ये देखो आई और ये उसकी मात्रा, देखिए क में आई की मात्रा कई, ख में आई की मात्रा खई, ग में आई की मात्रा गई, ग में आई की मात्रा गई, अंग अंग में मात्रा नहीं लगेगी, च में आई की मात्रा चई, छ में आई की मात्रा छई, ज में आई की मात्रा जई, ज में आई की मात्रा जई, और अय्या इसमें भी मात्रा नहीं लगेगी। ट में आई की मात्रा टई, ठ में आई की मात्रा ठई, ड में आई की मात्रा डई, ढ में आई की मात्रा ढई, अण में आई की मात्रा अणई, त में आई की मात्रा तई, थ में आई की मात्रा थई, द में आई की मात्रा दई, ध में आई की मात्रा दई, न में आई की मात्रा नई, प में आई की मात्रा पई, फ में आई की मात्रा फई, ब में आई की मात्रा बई, भ में आई की मात्रा भई, म में आई की मात्रा मई, य में आई की मात्रा यई, र में आई की मात्रा रई, ल में आई की मात्रा लई, व में आई की मात्रा वई, श में आई की मात्रा शई, श में आई की मात्रा शई, स में आई की मात्रा सई, ह में आई की मात्रा हई, क्ष में आई की मात्रा क्षई, त्र में आई की मात्रा त्रई, ज्ञ में आई की मात्रा ज्ञई, श्र में आई की मात्रा श्रई। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला में आई की मात्रा लगाकर, ठीक है। उसके नीचे आपको ये हेडिंग डालना है कि आई की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। तो अब शब्द जो है हम टेक्स्ट बुक में से लिखेंगे पेज नंबर 59 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए थ में आई की मात्रा थई, ल में आ की मात्रा ला, थई ला, और देखिए ये मात्रा रेड से दिखाई है ना, उसी तरह से आपको नोटबुक में बोल बोल के लिखना है, देख देख के सुंदर राइटिंग में, और ये मात्रा रेड से दिखानी है। श में आई की मात्रा शई, न में छोटी की मात्रा नी क, शई नी क, म में आई की मात्रा मई, न में आ की मात्रा ना मई ना, क में आई की मात्रा कई, म र में आ की मात्रा रा कैमरा, प में आई की मात्रा पई, र में आ की मात्रा रा, स में बड़ियों की मात्रा सूट पैरा सूट, ब में आई की मात्रा बई, ल बैल, प में आई की मात्रा पई, र बैल, स में आई की मात्रा सई, र सैर, म में आई की मात्रा मई, च मैच, ग में आई की मात्रा गई, स गेश, ब में आई की मात्रा भई, य में आ की मात्रा या भैया, म में आई की मात्रा मई, ल में आ की मात्रा ला महिला, प में आई की मात्रा पई, द ल पैदल, त में आई की मात्रा तई, य में आ की मात्रा या र तैयार, द में आई की मात्रा दई, न में छोटी की मात्रा नी क दैनिक, म में आई की मात्रा मई, द में आ की मात्रा दा न मई दान, क में आई की मात्रा कई, ल में आ की मात्रा लाश कैलाश, ह में आई की मात्रा हई, र में आ की मात्रा रा न हई रान, ट में आई की मात्रा टई, ब ल में ए की मात्रा लेट टैबलेट, व में आई की मात्रा वई, स ल में बड़ी की मात्रा ली न वैश्लीन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो गए, आपको बोल बोल के अपनी नोटबुक में लिखना है। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 60 पर फर्स्ट क्वेश्चन, देखो बोलो और लिखो, यानी कि यहाँ पे वर्ड दिए हैं वो आपको ट्रेस करने हैं और रीड भी करने हैं, ठीक है। देखिए जैसे प में आई की मात्रा पई, स में आ की मात्रा सा पैसा, म में आई की मात्रा मई, न में आ की मात्रा ना मैना, त में आई की मात्रा तई, र न में आ की मात्रा ना तैरना,
ब में आई की मात्रा है बैठ, न में आ की मात्रा ना बैठना, ठीक है। इस तरह से बोल बोल के आपको ये खुद से ट्रायल्स करना है टेक्स्ट बुक में। सेकंड क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार दी गई मात्राएं वर्णों में लगाओ, यानी कि यहाँ पे देखिए मात्राएं दी गई हैं, यहाँ पे वर्ण दी गए, जैसे कि आ की मात्रा ये छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए और आई, यहाँ पे देखिए ग ज द और न, तो यहाँ पे देखिए हमें ये वर्ण में ये मात्रा लगा गा, ग में छोटी की मात्रा गी, ग में बड़ी की मात्रा गी, ग में छोटा ऊ की मात्रा गु, ग में बड़ा ऊ की मात्रा गु, ग में ए की मात्रा गे, ग में ऐ की मात्रा गई। तो उसी तरह से हमें सारे यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। जैसे कि ज में आ की मात्रा जा, ज में छोटी की मात्रा जी, ज में बड़ी की मात्रा जी, ज में छोटा ऊ की मात्रा जू, ज में बड़ा ऊ की मात्रा जू, ज में ए की मात्रा जे और ज में ऐ की मात्रा जय। इसी तरह से हमें सारे लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह से लिख देने, आपको पीडीएफ में भी इसके आंसर मिलेंगे, उसमें से भी देख के लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखो और नाम पूरे करो। यहाँ पे यानी कि पजल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैना है और ये क्या कर रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, कैमरा है और ये क्या है, कैरम गेम खेलते हैं ना। फिर ये क्या है, पैसा और ये क्या है, पैराशूट। तो यहाँ पे आधे आधे वर्ड दिया और हमें ये कंप्लीट करने पिक्चर देख के। ये देखिए ना दिया है तो मैना लिखने के लिए हमें आगे क्या लिखना पड़ेगा, मई, म में ई की मात्रा मई, तो हो गया ना मैना। फिर देखिए सेकंड पिक्चर इसका वर्ड बनाना है, तो यहाँ पे देखिए मई दा न, यानी कि मैदान में बच्चे खेल रहे, तो दो वर्ड हो गए ना मई लिखने से, मैना और मैदान, एक पजल सॉल्व हो गया। ये देखिए सेकंड, अब देखिए यहाँ पे रम, रम लिखा है, यहाँ पे मरा, तो कैमरा होता है ना, तो मरा लिखा है, आगे हमें फर्स्ट लेटर लिखना है, तो क्या आएगा, क में आई की मात्रा कैमरा, ठीक है। ये इसका हो गया वर्ड कैमरा। फिर इसका क्या है, कैरम, तो इसका हमें बनाना है, तो देखिए यहाँ पे कई लिखा है तो अब हम पढ़ते कई रम कैरम, तो ये दूसरा भी मिल गया ना, एक वर्ड लिखते ही हमें दूसरे का भी आंसर मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए पैसा, तो सा लिखा हुआ है, आगे क्या लिखना हमें, पै, तो क्या हुआ, पैसा, तो ये हो गया इसका वर्ड मिल गया। अब इसका वर्ड यहाँ पे देखिए पैराशूट, तो हो गया ना, इसका भी वर्ड बन गया पैसा और पैराशूट। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी वर्ड बन गया, ठीक है। इतना ही एक्सरसाइज है, ये आपको उसमें से देख के अच्छी राइटिंग में लिखना है और जितने भी वर्ड है वो सारे आपको रीड करने हैं। और हाँ, इसके आगे हमें जितने भी मात्रा सीखी, आ की, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री की, फिर ए की, ऐ की, कोई भी भूलनी नहीं है, वो हमेशा आपको रीड करते रहना और याद रखनी, एक भी मात्रा भूलनी नहीं है, ठीक है। थैंक यू।